तो सवाल जवाब सैटरडे के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पे हम आपके रैंडमली क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। आज का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, जिनके भी बहुत से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है वन ओवरऑल वर्सेस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। अब अगर आप मुझसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछोगे तो डेफिनेटली वन ओवरऑल बैटल में जीतेगा, क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की बात भी कर लेते हो तो उसने अपने यूनिवर्स को कॉन्कर किया था और उसका यूनिवर्स एक यूनिवर्स है। लेकिन वन ओवरऑल कौन है जिसने ये पूरा मार्वल बनाया? एंड पूरे मार्वल में एक यूनिवर्स थोड़ी ना है, मल्टीपल यूनिवर्सिस है। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन भले ही बहुत पावरफुल हो, लेकिन मल्टीवर्स या ओमनीवर्स को कॉन्कर करना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन वन ओवरऑल तो वो है जिसने वो सब कुछ क्रिएट किया है, तो आप समझ सकते हो आप क्रिएटर के साथ बैटल कर रहे हो, इसलिए नो डाउट कि वन ऑफ वॉल बहुत ही आराम से बीट करने वाला है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को। खैर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन वर्सेस लूसीफर। तो पहली बात कि आप यहाँ पे किस लूसीफर की बात कर रहे हो? अगर आप मार्वल के लूसीफर की बात कर रहे हो तो भाई उसकी तो बात ही रहने दो, लेकिन अगर आप डीसी के लूसीफर की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली लूसीफर मॉर्निंग स्टार डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देगा। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है या नहीं है, लूसीफर तब भी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आप भी यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो। मतलब अगर आपको नहीं पता तो लूसीफर मॉर्निंग स्टार का जन्म कैसे हुआ, उसका जन्म खुद प्रेजेंस ने किया था। मतलब प्रेजेंस ने दो पावरफुल एंटिटीज को बनाया था, माइकल एंड लूसीफर, जिसमें से उसने माइकल को एनर्जी बनाने के लिए बनाया था ताकि वो एनर्जी को क्रिएट कर सके, एंड फिर उसी एनर्जी की हेल्प से लूसीफर यूनिवर्स या फिर तो मल्टीवर्स को शेप देता था। यानी एक तरह से जब इस यूनिवर्स या इस पूरे स्पेस में कुछ भी नहीं था तो तब एनर्जी की फॉर्म में माइकल अपना काम करता था एंड फिर लूसीफर उसको शेप देता था ताकि एक मल्टीवर्स या एक यूनिवर्स बना सके। एंड यहीं से आप समझ सकते हो कि इसका लेवल क्या है, क्योंकि अगर आपको ध्यान से बात समझ नहीं आई तो अगर आपने लोकी सीरीज देखी होगी तो आपको पता है कि इन्फिनिटी स्टोन वहां पे पेपर वेट की तरह काम किए जाते हैं। एंड इन्फिनिटी स्टोन का मतलब यह है कि वो अपने यूनिवर्स में तो काम कर पाएंगे, लेकिन बाहर के यूनिवर्स में वो काम नहीं करने वाले। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन अगर वो अपने यूनिवर्स में काम करता है तो उसका असर होगा, लेकिन अगर वो किसी और यूनिवर्स में जाता है तो पेपर वेट बन जाएंगे वो। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार तो वो है जिसने एक नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सिस को जन्म दिया है। तो क्या आपको ये लगता है कि एक यूनिवर्स के अंदर सीमित रहने वाली वो एनर्जी जिसे हम इन्फिनिटी स्टोन कहते हैं, वो टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर पाएगा उसे रोकने के लिए जिसने एक नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सिस को बनाया है? तो आई डोंट थिंक। इसलिए लूसीफर मॉर्निंग स्टार बहुत आराम से बीट करने वाला है उसको। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस थॉर इन्फिनिटी वॉर वाला, प्लस उसके पास म्योनिर भी होना चाहिए। तो वैसे तो हमें पता है कि एमसीयू वालों ने हल्क का क्या हल किया, लेकिन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क उससे टोटली डिफरेंट है। वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इस हल्क का लेवल ही क्या है। मतलब इसकी वाइफ मर जाती है और उसके बाद ये बदला लेता है अर्थ के उन सब लोगों से। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एमसीयू में हम क्या बोलते हैं कि हाँ हल्क का गुस्सा ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे उसका दिमाग और कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन इस हल्क के साथ ये सीन ही नहीं है। क्योंकि हल्क इस मोमेंट में अपने गुस्से को बढ़ा के अपने आप को पावरफुल तो कर लेता है, बट उसका दिमाग भी सेम रहता है। क्योंकि इस टाइम पे हल्क के ऊपर कंट्रोल हल्क एंड ब्रूस दोनों का था, क्योंकि ब्रूस भी बदला लेना चाहता था अपनी वाइफ का। इसीलिए वर्ल्ड वॉर हल्क एक ऐसा हल्क है जिसमें ब्रूस का दिमाग है एंड हल्क की वो गुस्से वाली स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या इन सब के बावजूद ये वाला हल्क हरा पाएगा इन्फिनिटी वॉर थॉर को? इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है, इसलिए हमें सीधा आंसर तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और ऊपर से ये दोनों ऐसे करेक्टर्स हैं जो किसी को भी बीट कर सकते हैं, इसीलिए हमें फीट्स को कंपेयर करना पड़ेगा एंड फिर हमें पता चलेगा कि किस करेक्टर के ज्यादा फीट्स है एंड कौन जीतेगा। तो इन्फिनिटी वॉर थॉर के फीट्स तो आपको पता ही होंगे कि उसने नेदरवेयर के रिंग्स को मोड़ा था, ड्यूरेबिलिटी वाइज उसने इस पूरे रेडिएशन को यानी एक डाइंग स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया था जिसका टेम्परेचर सन के कोर जितना गर्म होता है। इसके अलावा इसने थैनोस को यहाँ पे ब्लीड कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके स्टॉर्म ब्रेकर ने थैनोस की चमड़ी को काट दिया था जिसको आयरन मैन सिर्फ एक बूंद खून ही निकला पाया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया अपने स्टॉर्म ब्रेकर से। लेकिन अगर हम हल्क की बात करते हैं तो उसके फीट्स तो नेक्स्ट लेवल पे हैं। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने अपने एक ही पंच से ब्लैक बोल्ट जैसे बींग को बीट किया है, वो ब्लैक बोल्ट जो अपने प्लैनेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है सिर्फ अपनी स्क्रीम से। इसके अलावा इसने सिर्फ एक पैर से पूरे यूएस को ही क्रैक कर दिया था ऑलमोस्ट। इसके अलावा आयरन मैन भी गया था उसके पास अपना मॉडिफाई आर्मर पहन के, लेकिन उसको एक ही पंच पे सुला दिया हल्क ने। इसके बाद हल्क गया रीड रिचर्ड यानी मिस्टर फैंटास्टिक के पास और उसका भी बहुत ही बुरा हाल कर दिया उसने। लास्ट में हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आया, डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे फंसाने की कोशिश की, उसके प्रेजेंस से बात करने की, लेकिन हल्क
को वो नहीं रोक पाया। हल्क ने उसकी हड्डियों को ही क्रैक कर दिया। बाद में आपको पता ही है कि इनको एक दूसरे के खिलाफ उसने लड़वा दिया था, फिर लास्ट में सेंट्री उसे रोकने के लिए आया था। जैसे ही सेंट्री उसे रोकने के लिए आया, इनकी फाइट बहुत भयानक हुई। सेंट्री जिसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, उसके सामने था वो हल्क जिसका गुस्सा ही नहीं रुक रहा था। लेकिन क्या लास्ट में ये नॉर्मल हो जाते हैं, इसका मतलब ड्रो? लेकिन नहीं, क्योंकि बाद में हल्क फिर से खड़ा होता है एंड फिर से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब अभी भी उसका स्टैमिना रुका नहीं था। एंड लास्ट में आपको पता है कि अपने सिर्फ एक ही पैर से ऑलमोस्ट उसने पूरा यूएसए डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब इन सब फीट्स को डिस्कस करने के बाद, क्या आपको लगता है कि ये थोर को बीट कर पाएगा? मेरे को तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर थोर का हमने इतना बड़ा फीट नहीं देखा है। भले उसकी ड्यूरेबिलिटी का हमने फीट देखा हो कि उसने इन्फिनिटी वॉर में इस न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया था, लेकिन यहाँ पे इसका एक और फीट है जहाँ पे ये गार्डियंस की स्पेसशिप को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, जो कि स्ट्रेंथ का आई थिंक इसका सबसे बड़ा फीट हो सकता है। हालांकि गार्डियंस की स्पेसशिप उतनी मोशन में तो यहाँ पे नहीं है, तो हम इसे उतना भी कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन हल्का ये वाला फीट जहाँ पे इसने पूरे अमेरिका को ये ऑलमोस्ट शटर कर दिया था अपने एक पैर से, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू थॉर। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि नेडावेयर्स के इन रिंग्स का वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना था, तो मे भी आप गलत हो सकते हो। क्योंकि पहली बात कि इसके पीछे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो हम ऐसे ही कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए टू बीट हल्क थॉर के लिए बहुत टफ होने वाला है। बहुत से लोग बोलेंगे उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी तो है। हाँ, मैं मानता हूं कि स्टॉर्म ब्रेकर का इंपैक्ट हल्क के ऊपर हो सकता है, क्योंकि अगर थानोस की चमड़ी के ऊपर उसका असर हुआ था तो हल्क की बॉडी के ऊपर भी आई थिंक होने वाला है। लेकिन पंगा यह है कि क्या हल्क के ऊपर वो डिलीवर भी कर पाएगा स्टॉर्म ब्रेकर का एक भी हिट? अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो हल्क अपनी रॉ स्ट्रेंथ से उसका बहुत बुरा हाल कर देगा। जहां तक उसकी लाइटनिंग की बात आती है, तो इन माय ओपिनियन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क आराम से उसे काउंटर कर लेगा अपनी ड्यूरेबिलिटी से, क्योंकि सेंट्री के अटैक्स को भी वो कर ले रहा था। तो हाँ, थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर एंड उसकी लाइटनिंग कुछ टाइम तक हल्क को रोके रख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बहुत टाइम तक रोक सके। अब खुद सोचो, जिसने इतने पावरफुल एवेंजर डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट या फिर तो रीड रिचर्ड को हरा दिया, फिर उसके बाद सेंट्री जैसे बींग को हरा दिया, उसे रोकना क्या नामुमकिन नहीं लगता आपको? फिर सेंट्री को हराने के बाद भी ये नहीं रुका एंड अपनी रियल पावर उसके बाद इसने शो की है। इसके साथ एक और रीजन है कि आप लाइव एक्शन में उतने ओवरपावर कैरेक्टर्स को नहीं दिखा सकते जितना आप कॉमिक्स में दिखा पाते हो। इसीलिए हल्क का ये कॉमिक सचमुच कमाल किया है, जो कि इसे अपर हैंड देती है थॉर के लाइव एक्शन के ऊपर। इसीलिए इन माय ओपिनियन थॉर अपनी लाइटनिंग एंड स्टॉर्म ब्रेकर से कुछ टाइम तक उसे काउंटर कर देगा, उसे अच्छी टक्कर देगा, लेकिन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का जब असली गुस्सा सामने आएगा तो थॉर उसके सामने नहीं टिकने वाला। हाँ, वो उसे टेम्परेरी नॉकआउट कर सकता है, इसलिए वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इस बैटल का विनर है। जो लोग ये बोलने वाले हैं कि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से कहीं और टेलीपोर्ट कर देगा, बट फिर ये बैटल नहीं रहेगा। थॉर ने एक तरह से अपनी मुसीबत को टाला एंड उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया, तो नो, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। इन माय ओपिनियन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जीत जाएगा थॉर के ऊपर 9 out of 10 टाइम्स। खैर, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट कर देना। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आयरन मैन प्रिपरेशन टाइम के साथ सब एवेंजर्स को एक साथ बीट कर सकता है? तो इसका आंसर ये है कि आप आयरन मैन को कितना प्रिपरेशन टाइम देते हो, उस बात पे ये डिपेंड करता है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आयरन मैन को एक कर हफ्ता या दो हफ्ते देंगे तो कुछ को रा देगा बट कुछ को नहीं। मतलब अगर हम ओरिजिनल 6 एवेंजर्स की बात करते हैं, जहां पे आप ब्लैक विडो एंड हॉकाई की बात करें, तो वो तो आयरन मैन के सामने वैसे भी नहीं टिकने वाले। कैप्टन अमेरिका को भी ये बीट कर देगा आफ्टर प्रिपरेशन टाइम। तो इसके सामने रहेंगे हल्क एंड थॉर। उसमें भी हम थॉर को वो वाला थॉर लेंगे जो 2012 वाला थॉर था। तो अगर हम उन सबको यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हाँ, हल्क के खिलाफ वो हल्क बस्टर तैयार कर सकता है, जो कि उसने किया भी था, एंड कॉमिक्स के बहुत से ओकेजंस की तरह वो थॉर के खिलाफ थॉर बस्टर्स भी बना सकता है। इसीलिए वो अपने मल्टीपल आर्मर्स का यूज कर सकता है इन 5 एवेंजर्स के ऊपर एंड इन्हें बीट कर सकता है। इसीलिए अगर आप ओरिजिनल 6 एवेंजर्स की बात करते हो और आयरन मैन को एक दो हफ्ते का प्रिपरेशन टाइम देते हो, तो मे बी आयरन मैन उन सबको बीट कर पाएगा, इवन थॉर को भी, क्योंकि यहाँ पे हम 2012 वाले थॉर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम आयरन मैन को एक दो हफ्ते का ही प्रिपेयर होने का टाइम देते हो और बोलते हो कि सब एवेंजर्स एक साथ लड़े, मतलब फिर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच एंड मोस्ट प्रोबेबली इन्फिनिटी वॉर थॉर या लव एंड थंडर वाला थॉर होगा, तो तब आयरन मैन इन्हें बीट नहीं कर सकता। क्योंकि आयरन मैन अगर अपने मल्टीपल आर्मर्स को भेजता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, कैप्टन मार्वल अपनी एनर्जी मैनिपुलेशन एंड स्पीड से उन सबका बेड़ा गर्क कर सकती है। इसके बाद स्कारलेट विच आयरन मैन के एआई को संभालने का वर्क कर सकती है, विजन भी उसकी हेल्प कर देगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली थॉर एंड हल्क आयरन मैन को बीट कर देंगे या हल्क बस्टर को तोड़ देंगे। लास्ट में आयरन मैन अकेला बचा रह जाएगा, तो वॉर मशीन या ऐसे और भी कई एवेंजर्स है जो कि फिर आयरन मैन के खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए अगर सब एवेंजर्स मिलके आते हैं एंड अगर हम आयरन मैन को थोड़ा प्रिपेयर होने का टाइम देते हैं, तो आयरन मैन उन्हें बीट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम आयरन मैन को बहुत ज्यादा ही टाइम दे देते हैं, मतलब कुछ मंथ या फिर हाफ एंड ईयर, तो फिर इन दैट केस बैटल
बहुत ही टेंस हो सकता है, क्योंकि आयरन मैन इतने ज्यादा टाइम के बाद कुछ ना कुछ तो इन्वेंट कर ही लेगा। क्योंकि एक दो हफ्ते में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आयरन मैन सबके लिए कुछ बना लेगा, तो यार ऐसा भी नहीं हो सकता, कुछ क्वांटिटी भी होती है। लेकिन अगर आप आयरन मैन को एक दो साल ही दे देते हो प्रिपेयर होने के लिए, तो हाँ तब तो वो कुछ ना कुछ जरूर इन्वेंट कर देगा, एंड तब शायद वो सब एवेंजर्स को बीट भी कर पाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल प्रिपरेशन टाइम का करते हैं, तो हाँ मेन 6 एवेंजर्स को भले ही बीट कर पाए, लेकिन सबको आई थिंक वो नहीं करने वाला। हाँ अगर आप उसके बड़े ज्यादा फैन हो एंड उसे ज्यादा ही प्रिपेयर होने का टाइम दे सकते हो, तो तब शायद वो सबको हरा भी सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिन वर्सेस वांडा, बट ऑडिन के पास ऑडिन फोर्स नहीं होनी चाहिए। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ऑडिन अपनी ऑडिन फोर्स के बिना कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ऑडिन फोर्स उसे हेल्प करती है सारी लड़ाइयाँ लड़ने में, बट ऐसा नहीं है यार, क्योंकि ऑडिन खुद भी एक बहुत पावरफुल करेक्टर है, सबसे पावरफुल एट गार्डियन है एंड एक स्काई फादर लेवल बींग है, यानी एक गॉड। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो वांडा को बीट कर पाएगा। अब देखो वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है एंड टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस एबिलिटीज़ को भी बहुत एनहेंस्ड कर चुकी है। जहाँ तक वांडा की टेलीकिनेसिस एबिलिटीज़ की बात आती है, तो वो केओस मैजिक से करती है, एंड हमें पता है कि केओस मैजिक बहुत पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू एस्कार्डियन मैजिक, इसीलिए मे बी वो ऑडिन के मैजिक को टक्कर दे पाएगी। देखो एस्कार्डियन मैजिक से ज़्यादा पावरफुल हो केओस मैजिक, बट ऑडिन का एस्कार्डियन मैजिक बाकी सबसे भी बहुत पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि ऑडिन ऑब्वियसली सबसे पावरफुल एस्गार्डियन है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बाकी एस्गार्डियंस के मुकाबले में ओडिन का लेवल अलग होगा। इसीलिए मेरे लिए तो अगर वांडा उसे टेलीकिनेसिस एबिलिटी से केओस मैजिक का यूज करती है उसके ऊपर, तो ओडिन भी अपने मैजिक से उसे काउंटर कर देगा। यानी कि उसके जितने भी मैजिक है, हैक्स मैजिक, रियलिटी रैपिंग, या फिर आप कह सकते हो उसके एनर्जी मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ केओस मैजिक, मेरे ओपिनियन में ओडिन अपने मैजिक से या फिर अपने गमनीर की एनर्जी से उनको काउंटर कर सकता है। जहां तक उसके ड्रीम वॉकिंग वाले ये सब मूव्स आएंगे, तब भी ओडिन अपने गमनीर से उन्हें आराम से टारगेट कर देगा। मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं ना गमनीर को? लेकिन क्या इसके बावजूद वांडा के पास है कुछ? हाँ, उसके पास अभी भी एक मूव बचता है। ये वो वाला मूव है जो कि उसने यूज किया था प्रोफेसर एक्स के ऊपर, एंड सिर्फ सोच में ही उसका काम तमाम कर दिया था। हाँ डेफिनेटली अगर ऑडिन के ऊपर ये मूव वर्क करता है, तो ऑडिन को भी शायद वो बीट कर सकती है, बट डिपेंड ये करता है कि क्या ऑडिन के ऊपर ये मूव वर्क करेगा। क्योंकि वैसे तो ऑडिन का मैजिक भी बहुत पावरफुल है, जिसकी सोच ने ही हेला को पूरी टाइम तक एस्कार्ड से दूर रखा था एंड ट्रैप रखा था। तो हाँ अगर वांडा का ये अटैक ऑडिन के ऊपर वर्क करता है, तो तब वो मे बी ऑडिन को बीट कर पाएगी। अगर ये नहीं कर पाया, तो फिर डेफिनेटली ये फाइट पहुंचेगी एक फिजिकल बैटल में, एंड अगर फिजिकल बैटल में गलती से ये फाइट पहुंचती है, तो आपको पता है कि ऑडिन का लेवल कहां पे है। ऑडिन फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए अपनी एनर्जी मैनिपुलेशन से या फिर अपने गमनीर की हेल्प से आराम से वांडा को बीट कर देगा फिर। लेकिन क्या लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि वांडा ने जो अटैक प्रोफेसर एक्स के ऊपर किया था, जिस टेलीपैथिक अटैक से उसने प्रोफेसर एक्स को मारा था, क्या वो अटैक ऑडिन के ऊपर वर्क होने वाला है या नहीं? अगर आपका आंसर हाँ है, तो मे बी वांडा उसे बीट कर पाएगी, लेकिन अगर आपका आंसर ना है, तो ऑडिन इस बैटल को जीतेगा। लेकिन अगर हम ऑडिन फोर्स को ऐड कर भी देते हैं, तब तो भाई डेफिनेटली ऑडिन ही विनर है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में शेयर करके जरूर जाना कि आपका ओपिनियन क्या है। बाकी इनके सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपने भी अपना कोई क्वेश्चन पूछना है, तो #AskAssistant करके अपना क्वेश्चन पूछिए, हो सकता है अगले वीडियो में आपका एक क्वेश्चन फीचर होता हुआ दिखे। लेकिन खैर अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।